three, four. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बेसिकली ये होंडा रिबॉन, तो नहीं इसको लैम्बोन कहेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो कि लैम्बो किट इंस्टॉल की गई है, तो वही हम उसके बारे में इसके ऑनर से बात करेंगे। उसके अलावा इसके जो कि मॉडिफिकेशंस की गई हैं इसकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो उस बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज माइक तो मेरे पास था नहीं, मैंने कहा चलो दूसरे माइक से मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके तो माइक के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। चलें फिर इस गाड़ी की कॉस्ट भी पता कर लेते हैं और उसके अलावा इसकी मॉडिफिकेशन के सारे जो चक्कर मक्कर हैं वो सारे पता कर लेते हैं। आज इस गाड़ी को मैं आपके लिए लेके आऊँ, ये आपको ज़्यादा टिकटॉक पे नज़र आएगी, सोशल मीडिया पे नज़र आएगी और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस के जो ग्रुप हैं उसके अंदर ये गाड़ी नज़र आती है। तो ये हमारे अपने जो के पुराने दोस्त हैं जोया साहब, तो आज हमने इसको पकड़ के तो हमने इनसे टाइम लिया। मैंने कहा जोया साहब आप हमें टाइम दें तो हमारे जो के चैनल के ऊपर आपकी वीडियो होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। तो जोया साहब से पूछेंगे कि शुरू से लेके जब से इनको स्टार्ट हुआ इस चीज़ का शौक़, तब से लेके अब तक का सफ़र इनका कैसा रहा। तो जो ये साहब आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपका ये सफ़र तब से लेके अब तक जो कि आपने मॉडिफिकेशन इसकी कंप्लीट करवा ली है कैसा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या कहते हैं। ये मेरा सफ़र पहले मैं मुल्तान के अंदर, मुझे शौक़ था रिबॉन का बनाने का, उसके बाद ना मैं मुल्तान के एरिया में अपने ढूंढता रहा कोई रिबॉन मिल जाए अच्छी सी जिसको मैं मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकूं। उसके बाद क्या कहते हैं मैं घूमता रहा मुझे मुल्तान के एरिया में तो रिबॉन नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने प्लान किया, एक दोस्त थे मेरे साथ जिनको मैं साथ ले गया, जिन्हें इल्म था कि गाड़ियों के लैंडिंग हाउ ना थी कि इंजन वगैरह लेना देना इस तरह के मामला, गाड़ी कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी चलने में और इस तरह सस्पेंशन वगैरह, तो उनको मैं साथ लेकर गया। कराची गए हम, पहले हम तकरीबन एक हफ्ता पहले पहुंच गए, रहा नहीं जाता। इतवार बाजार में हम एक हफ्ते बाद गए, संडे वाले दिन कुदरती रात में ही पहुंचे, अगले दिन मंडे से दिन स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने लेनी थी इतवार बाजार से। एक वीक हमने वहाँ पे विजिट करते रह गए, दोबारा वेट किया। फिर संडे इतवार बाजार आया, वहाँ पर इतवार बाजार में हम गए, वहाँ पे तो पहले तो मैं इतवार बाजार देख के हैरान कुन हो गया, वो इतना बड़ा बाजार था कि पूरा मुल्तान उससे छोटा है, इतना बड़ा ग्राउंड में इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, तरह तरह की, एक से एक मॉडल से। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ से मैंने रिबॉन परचेज की। सही। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन रिबॉन की मुझे पड़ी थी 14,30,000 रुपये की मुझे रिबॉन पड़ी थी, लेकिन इसका इंजन नाकाबले चलाने के लिए कुछ खास नहीं था, तो जिसके लिए मुझे क्या कहते हैं नया, सबसे पहले तो मैंने मॉडिफिकेशन के लिए अंदर इंजन डलवाया मैंने ना, सबसे पहला काम यही किया, क्योंकि इंजन जब तक नहीं होगा कराची से यहाँ तक भी ना आती गाड़ी। पता चले आप इंजन डलवाए ना और रास्ते में जो ये साहब खड़े हैं मॉडिफिकेशन करवाने के चक्कर में मोटरवे के ऊपर, दोबारा फिर वो लोड होके जा रही है। तो अच्छा, उसके बाद का आप सफ़र बताएं, मैंने आपकी बात काट दी है। नहीं, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, मैं कराची से निकला, मैं सबसे पहले तो डायरेक्ट मुल्तान आने की बजाय डायरेक्ट लाहौर चला गया। सही। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मैं पहले तो शुरू किया, मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टअप लिया कि कहाँ से गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाएं। मेरे लाहौर में बहुत अच्छे अजीज़ थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद ना हम लाहौर पहुंचकर मैं उनके घर स्टे किया। उसके बाद हम निकले सुबह, लाहौर के अंदर बड़ा मशहूर एक रिम्पा प्लाजा है, वहाँ पे आपके बड़े मशहूर टिकटॉकर भी वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं काशिर किंग। सही। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई एक दो बार। तो उसके बाद ना मैं तकरीबन 4-5 दिन मुझे लगे वहाँ मॉडिफिकेशन के। उसके बाद हमने ना पहले स्टार्टअप लिया कि कहाँ से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें। तो पहले हमने यहाँ HIDO से स्टार्ट की कहानी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा छोटे काम से शुरू करते हैं, लेकिन HIDO का रेट ही इतना था। अच्छा। कि छोटे से बहुत बड़ा बन गया। आपने कहा छोटे में डालूंगा बर्गर डलेगी, बड़े तक चला जाऊंगा। अच्छा। लेकिन ये काम ही इतना कॉस्टली पड़ा कि अभी इसकी मैंने DRL वगैरह करवाई। आपने DRL भी करवाई हुई है आफ्टर मार्केट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्योंकि व्यूवर्स को ये भी आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्योंकि मॉडिफिकेशन पे कॉस्ट कितनी आती है, अक्सर लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि मॉडिफिकेशन करानी है मगर उनकी जेब में जितने होते हैं वो उतने एक्सपेक्ट करके जाते हैं, मगर आगे कुछ और ही सीन होता है, तो जो हम क्यों ना उन्हीं से डिस्कस कर लें जो ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो जो ये साहब पहले तो ये बताएं कि आपकी सिर्फ HID लाइट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है इसकी। तकरीबन मेरी HID लाइट्स पर तकरीबन 9500 रुपये की HIDs थी और DRL का तकरीबन ये लाइट वगैरह खुल के वाश वगैरह होती है इस पर पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है सही तरीके से। तो हाँ DRL खुलती है, इसके अंदर DRL फिट करवाई तकरीबन 9500 रुपए की ना तकरीबन HID आई थी और ना DRL तकरीबन 2-3,000 रुपए की लगी थी। सही।
तो अच्छा जो ये साहब ये मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गाड़ी जिस तरह अब आप विवर भी देख रहे हैं, गाड़ी को आप अगर दूर से भी दिखाएं तो गाड़ी के दो कलर हैं, मतलब अब ब्लैक है या रेड है। अब ये तो देखने वाले के लिए है ना कि मतलब वो कौन सा गैस करता है। तो मैंने तो जहाँ तक गाड़ी चलते हुए नज़र आती है तो मुझे ये पता था कि गाड़ी का कलर ब्लैक है। तो मगर जोया साहब से पूछते हैं कि जोया साहब इस गाड़ी का कलर कौन सा है, आप ज़रा बताएं हमारी कन्फ्यूजन दूर करें। ना इसका कलर रेड है ना ब्लैक है, इसका है गन मेटैलिक कलर है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। अच्छा तो इसका ये सीन है कि कहते हैं रैप मैंने दो शेड्स में करवाने की वजह ये, पहले तो लोग देखते हैं कि यार दो कलर में करवा रखी है कैसे कर क्या एक एडजस्टमेंट रखी होगी। पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब रैप करवाने लगा था तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा यूनिक चीज़ तैयार कीजिए जो रैप के अंदर पता लगे मार्केट के अंदर न्यू हो ट्रेंडिंग में जाए। तो मुझे मॉडिफिकेशन का सोशल मीडिया पे इन होने का बड़ा शौक था। तो मैंने फिर इसका डबल में ट्राई किया। पहले तो मैंने ट्राई करने से पहले मैं डर रहा था कि ना इतना मैं पैसा भी लगा दूं इस पर और क्या कहते हैं बाद में ये अच्छी भी ना लगे। नहीं दो करने का क्या, एक भी तो करवा सकते, दो करने का खास पता क्या, एक एक रेड भी सिंपल होगा ब्लैक भी होगा गाड़ी। आपने कहा होगा कि अगर बंदा यहाँ से गुजरे तो उसको रेड नजर आए, वहां से गुजरे तो ब्लैक नजर आए, बंदा परेशान हो जाएगा यार दरमियान में से गाड़ी का सीन क्या हो रहा है। दो गाड़ियां जोड़ के तो जो ये साहब ने बड़ी मॉडिफिकेशन की हुई है। चलें अच्छा इसकी रैपिंग के ऊपर मतलब टोटल कॉस्ट क्या है ये आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। इसकी रैपिंग के ऊपर कॉस्ट आई है 35,000 रुपीज़। 35 पूरी गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी के ऊपर जो रैप हुआ ना ये रेड एंड ब्लैक। सही रेड एंड ब्लैक। तो ये अगर आपको दिखाएं तो इधर से जरा दिखाएं, चेक करें कि गाड़ी को बिल्कुल दरमियान में इसी तरह लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल काटी हुई है, मगर ये कटी नहीं हुई बिल्कुल, ये ना ब्लैक है। हालांकि जो इसकी रैपिंग का स्टाइल देख के लगता है गाड़ी ब्लैक है, मगर ये ब्लैक नहीं है ना ही रेड है, ये असल में बेसिकली सिल्वर है। तो वो हम आपको दिखाएंगे, सॉरी गन मेटैलिक है। तो इस गाड़ी के अंदर जो कि आज खास वजह ना इस गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए, तो वो हम जो ये साहब से पूछते हैं। तो जो ये साहब आज आप ना बताएं कि इस गाड़ी की जो कि खास वजह है तो उसकी तरफ हमें ले के चलें कि हमने वो क्या दिखाना है। तो आज हम गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके लैम्बो डोर्स हैं। सही, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आपने कि लैम्बो डोर जो ये साहब ने फिट करवाए हैं। तो अच्छा ये रेड है, दूसरे वाला ब्लैक हो गया, सही हो गया। अच्छा तो जो ये साहब ये बताएं कि इसको जो इसके लैम्बो डोर की किट है इसको इंस्टॉल करवाने और इसके मतलब टोटल कॉस्ट इसके कितने पे आई है, क्योंकि मैंने जहाँ तक अंदाज़ा था कि मुझे यही था कि 25,000-26,000 की, मगर जिस तरह की आपने बताया कि इतनी कॉस्ट नहीं है, तो आप हमारे व्यूअर के साथ ये शेयर करें कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है। यार ये तो कहने को तो लोगों ने 25-30,000 कह रखा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। 25-30,000 कॉस्ट नहीं आती, अगर ऐसी इतनी आती होती तो हर दूसरा बंदा करवा के फिर रहा होता है, लोगों को शौक है। लेकिन इसकी कॉस्ट 65,000 रुपीज़ है, ये जिसके अंदर इंस्टॉल भी हुई है और इसके अलावा बाकायदा किट आई है। सही, जरा किट भी गाड़ी की 20 किलो की है कि मैं उठा के मेरी आधी कमर का, अगर ये कैमरे में से आपको दिखाएं जरा किट का, आप जरा डिज़ाइन भी दिखाएं और साइज भी दिखाएं। ये तो इस तरह लग रहा है जिस तरह पता नहीं कोई बड़ी मशीन हैवी फिट कर रहा है। ये चेक करें आप, इसकी जो कि चादर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है। तो मतलब गाड़ी के, अच्छा ये बताएं कि इसके बाद भी अगर ये आपने इंस्टॉल करवाई है तो गाड़ी को खोलने में इसके फ्रंट फेंडर को इशू वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ गाड़ी के फेंडर और शीशे ये सब को ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये फिर कैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं। यार ये पता क्या, शौक का तो एक तो कोई मोल नहीं होता, दूसरी बात इसके पीछे लैम्बो डोर्स के पीछे काफ़ी नुकसान हुए मेरे, ये फेंडर ओरिजिनल फेंडर था ना कि मुझे गाइड किया गया वहाँ पर कि ना फेंडर आप दूसरा लगवा लें, ये बाद में लोगों ने मशवरे दिए कि आप दूसरा लगवा लेते ये कर लेते, लेकिन खैर ये ओरिजिनल फेंडर था जो कि खराब हो गया। सही, मतलब आपको चूना लगा दिया उन्होंने। हाँ, चेव तो जैसे भी है, जैसे चेव भी है कि काम करवा रहे ना लड़का। हाँ, तो करवा लो। तो इसके फेंडर का बड़ा मसला है और ये साइड वाला मिरर होता है छोटा। सही, तो वो भी मेरा 2-3 मरतब ऐसे हुआ कि ना दोस्तों वगैरह ने, दोस्तों को नहीं खोलना आता था। हाँ, तो पुलिस वगैरह थे तो उन्होंने जैसे दरवाजा खोला और वो शीशा टूट गया। नुकसान और असल नुकसान करने में ना बंदे के दोस्तों का हाथ होता है, तो इसलिए जो ये साहब के जो ज्यादातर नुकसान जो किया वो दोस्तों के पुटे पंगे हैं, इसलिए तो जो ये साहब भुगत रहे। तो जो ये साहब ये मतलब बंद करने के बाद भी मतलब कोई इशू तो मतलब बंद इजीली हो जाता है या बंद करने में भी इशू होता है? इसको बंद करने में भी इसका इशू होता है यार ये। अच्छा, इसको लैम्बो डोर को एक आपको तरीका बता दूं, इसको खोलने और बंद करने का एक स्पेशल तरीका है। ये नहीं कि आप पकड़ के यूं करें तो दरवाजा हाथ में ये ऊपर करें तो वो फिर आपको नुकसान ही होगा, बल्कि आपको जो साहब एक बार इसको खोल के और बंद करके भी दिखा देते हैं कि इसको कैसे बंद करें। जो साहब इसको एक बार बंद करके दिखा दें, पीछे की तरफ खींच के थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल साथ लगा के बड़े प्यार से धक्का दे के बंद करना पड़ता है ये, क्योंकि अब ये देसी बन चुका है, ओरिजिनल चीज में तो है नहीं। उसके बाद खोलने के लिए दोबारा इसे करो, इतना बायर करो कि अब देखा आपने के फेंडर रेड है जैसी, और ये वाला शीशा मैं आपको बता रहा था जो कि टूट जाता है मोस्टली, उसके ये क्या कहते हैं पैड लगता है ये वाला अंदर, इसे बाहर करके उसके बाद
ये दरवाज़ा ये देखना पड़ता है कि शीशे के अंदर ये दरवाजे का पैड ना लगे, सही। उसके बाद इस तरह ये ओपन हो जाए। तो ये देखने विवर्स के मतलब इस तरीके से लैम्बो डोर जो कि खोलने के जो आसान तरीका ये नहीं कि आप वो जाइलों की तरह खोलें या किसी दोस्त के अगर आपको मिल जाएगा या कोई दोस्त अगर आ जाए कि हमें वीडियो बनाते तो ये काम ना करें खींच के अगले का नुकसान करें, तो पहले अगर आपको नहीं पता था उसको पहले सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो ये साहब जिस तरह मैं गाड़ी के अंदर भी देख रहा हूँ, तो गाड़ी के अंदर की तो चलो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल गाड़ी के जो कि मैं टायर देख रहा हूँ, टायर भी देख रहा हूँ मैं कि आपने योकोहामा के बहुत अच्छे वाले टायर लगवाए हुए हैं, तो इसके अंदर अलॉय व्हील भी आपने मेरे ख्याल में 17 इंच के लगवाए हैं, तो इसका ज़रा स्टोरी बताएं ना हमें। ये मैंने ना क्या कहते हैं जब मैं कराची से निकलने लगा था, मैंने कराची से परचेज किया था क्योंकि वहाँ की मैंने सुना था कि मार्केट बड़ी लो है, लेकिन जब आके यहाँ पता लगा तो वो मार्केट वहाँ की आई थी यहाँ की लो थी। अपने तरफ लेने के देने पड़ गए। ये टायर अलाइनिंग बहुत कॉस्टली है मेरे ख्याल से, ये तकरीबन योकोहामा का टायर है जो कि आपके पूरे पाकिस्तान में सबसे कॉस्टली टायर है। और दूसरा ये अलाइनिंग ना स्टार वाला ये कहते हैं, ये इसकी चादर में और दूसरे चादरों में फर्क है, आप अगर इसे टच करके देखें तो ये बहुत हार्ड है। अच्छा अगर आप देखें मेरा तो टायर भी काफ़ी गुबलू गुबलू सा लग रहा है, मतलब गोल मटोल सा लग रहा है, काफ़ी टायर की क्वालिटी आपको खुद ही बता रही है कि वाकई अच्छी क्वालिटी का टायर है, क्योंकि योकोहामा जो कि टॉप ऑफ अभी फिलहाल टॉप जा रहा है तो इस वजह से जो उन्होंने क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जो ये भाई ने कि इसके मतलब मॉडिफिकेशन कराऊँ और बाद में ये हो कि जब ड्रिफ्ट करें तो साथ ही पता लगे कि ड्रिफ्ट मारे हुए टायर निकल के उधर जा रहा है, ये वाला सीन कोई ना हो जाए। तो इसके अलावा जो ये साहब से अच्छा जो ये साहब ये बताएं कि आपने इसका जो बैक डोर इसको भी लैम्बो करवा सकते हैं, ये वो नहीं होता? नहीं नहीं इसको बैक डोर को कभी भी नहीं करवा सकते क्योंकि इसकी वजह ये इसकी एडजस्टमेंट चीज होती है, सही। इस तरह कैसे ऊपर होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये चीज आपकी छोटी है। हाँ मतलब पता चले कि वो ऊपर करें इसको आगे जो ड्राइवर फंस के बैठ जाए, खोल के बैठ जाए, मगर वो फिर दोनों फंस के बैठ जाए, फंस के बैठ। चलें इसके बाद हम इसका जो कि पीछे स्पॉइलर भी है, तो अगर ये स्पॉइलर भी हम आपको दिखाएं तो ये जो ये साहब अच्छा ये बताएं कि आपने ये स्पॉइलर लगाया काफी ज्यादा ऊंचा लगवाया, तो मतलब इससे कोई इसके एयर वगैरह के या कुछ भी एयर प्रेशर से कोई फर्क वगैरह तो नहीं पड़ता? कोई भी फर्क नहीं पड़ता एयर से, कोई भी अगर तेज प्रेशर हो जितना मर्जी इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसका मसला ये आया था कि इसके अंदर एक ये खड्डा है ना, हाँ। बारिश में ना क्या कहते हैं इसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, फिर डिग्गी उठा कर ना इस तरीके से डिग्गी उठा कर पानी यूं निकाल दिया जाता है। यहाँ पे सुराख भी तो करवा सकते हैं? सुराख यार पता क्या, फिर इतना तो सोचा नहीं मैंने भी कि सुराख करा लूं, ये तो बाप बता रहे हैं। नया नया शौक था, शौक था, आपने कहा चलो जोश के अंदर होश खो के जो ये साहब ने कहा तुम तो जितना पैसा लगाई जाओ लगाई जाओ बस। तो अच्छा जो ये साहब ये भी मैंने देखे क्योंकि जिस तरह वो मशहूर टिकटॉकर काशिर किंग ने मतलब उधर लगाए हैं, मगर आपने इसको लगाए ये मेरे ख्याल टूट गए ये भी, तो अच्छा इसका अब आप स्पॉइलर की हमें बताएं कि कॉस्ट, ये स्पॉइलर भी मुझे लगा काफी अच्छी चादर का है, ये मैंने खुद देसी बनवाया, सही। देसी बनवाने का ये मतलब था कि अपनी मर्जी का मैं बनवा सकता था, और ये बाकायदा एडजस्ट भी होता है, ये आप नट थोड़े से लूज करके स्पॉइलर को ऊपर नीचे जिस तरह मर्जी बेंड वगैरह आप कर सकते हैं, सही। मतलब इसको कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिधर दिल करे आप एडजस्ट करते हैं, और इसका ये सीन था कि ये है लकड़ी के, सही। अच्छा ये इसीलिए अगर देखें तो ये मेरे ख्याल में अगर व्यूवर्स को दिखाएं तो लकड़ी के होने के लिए जो सर्विस स्टेशन वाले वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, तो ये है कि वो फिर लकड़ी है वो फिर गल भी जाती है अक्सर, तो ये इशू हो जाता है। प्लास्टिक है उसकी और बात है, मगर ये लकड़ी है इसलिए इसकी और बात है। तो जो ये साहब से पूछ लेते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है, जो ये साहब आप हमें ये बताएंगे स्पॉइलर बनवाने की फिट करवाने की आपकी कितनी कॉस्ट आई है? तकरीबन इसकी कॉस्ट 13,000 रुपये आई है सिर्फ स्पॉइलर की, सिर्फ स्पॉइलर की। सही है, सही उल्टे शौक रखे हैं जो ये साहब ने, तो भाई मॉडिफिकेशन करना इतनी आसान नहीं है, एंड में आपको इसकी पूरी कॉस्ट भी बताएंगे। नहीं इसका मुझे बड़ा फायदा हो गया था, ये अगर मैंने खुद करवाया था तो मुझे 13,000 की कॉस्ट पड़ी थी, तो लेकिन अगर आप मार्केट से लेने जाएं उसकी चादर भी बिल्कुल फारिक होती है और अजीब सा वो मींस के ना बना हुआ होता है, ठीक है अच्छे कारीगर से बना हुआ होता है, लेकिन ना उसकी कॉस्ट भी एक तो महंगी पड़ जाती है, ऊपर से अपनी मर्जी का भी नहीं होता वो स्पॉइलर। मतलब वही देखा ना मैंने इसकी कॉस्ट, ये साइडों पर लकड़ी साइडों पर भी लोहा है, चादर है लोहे वाली चादर। अच्छा ये देखें अगर इसको देखें तो मेरे ख्याल में जितना वजन इतना है, आधी गाड़ी तो स्पॉइलर के वजन से ही पीछे बैठ जाती होगी, मगर क्या करें शौक है, शौक का कोई मोल नहीं है। तो जो ये साहब अब जिस तरह आपने ये अब रैपिंग करवाई है, अब पहले तो हमने सारी इसकी तारीफें कर ली हैं, अब आप हमें ये बताएं कि आपने मॉडिफिकेशन करवाई है, इसके अलावा स्ट्रेट पाइप भी लगवाया जो ये साहब ने, कि वो भी आपने कहा कि जो मतलब शौक है तो पूरे किए जाएँ, उसको भी हम आपको चेक करवा देते हैं, तो वो बल्कि इसकी सलफ लगा के जो ये साहब आप हमें चेक करवा दें, इसका जो इंजन का साउंड है वो भी आपको चेक करवाते हैं क्योंकि स्ट्रेट पाइप है, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। ये देख लें जी, देख लें ये सारे
जो कि स्ट्रेट पाइप लगाया, इसीलिए इस जो कि गाड़ी का इतना शोर है। उसके अलावा अच्छा ये जो साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने रैपिंग करवाई हुई है और उसके अलावा स्ट्रेट पाइप लगाया हो, ये सारा मतलब आपने शौक किए हुए हैं, तो आपको रोड के ऊपर मतलब लोग देखते होंगे, पैसे तो पूरे हो जाते होंगे वहीं पे, और जब पुलिस वाले रोकते होंगे फिर वहाँ चलान देखे सारे वहाँ निकल जाते होंगे, डबल हो जाते होंगे, तो मतलब इसका कोई चलान वगैरह का भी इशू है या इस तरह? चलान वगैरह का इशू है, बेशक चलान वगैरह का इशू है। आपने देखा जैसे कि मैंने एक तो नंबर कानून के खिलाफ लगा रखी है, इलीगल कहा जाती है, लेकिन शो का कोई मोल नहीं है। फिर चलान करवाते हैं, ये है कि हाथ नहीं लगने देते प्लेट पर, कोई बात नहीं आना चाहिए सामने, जो सामने का बात नहीं आना, शौक पूरे करने हैं, पूरे करने हैं यार। पता है कि इतना जब खर्चा इंसान ने कर रखा होता है ना, फिर इंसान कहता है कि दो चीज, अगर ये नंबर प्लेट अगर मैं दूसरी लगा दूं तो वो टैग ही नहीं रहेगा, ये समझे मेरा टैग है अपना साथी। यार असल में ना ये बात तो मुझे करनी चाहिए, अब्बू जी को मैं कहूँगा, अब्बू जी मुझे भी थोड़े शौक पूरे करने दिया करें। मैं जब भी लगवाता हूँ तो फिर अब्बू के डर से मुझे ना सब कुछ उतरवाना पड़ जाता है, क्योंकि अब्बू मेरे यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से मुझे भी ना हर चीज़ को ना ध्यान से करना पड़ता है, कि क्योंकि जब अब्बू ने आना होता है तो सारी चीज़ अब्बू के हिसाब से, मतलब अब्बू को ज़रा सादा गाड़ियाँ पसंद है, तो मैं ज़रा वो होचो वाली गाड़ियाँ या मॉडिफिकेशन गाड़ियाँ पसंद करता हूँ, तो इसलिए अब्बू से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब्बू जी थोड़ी सी मुझे भी इजाज़त दिया करें कि मैं भी थोड़ा बहुत कर लिया करूँ, बाद की फिर बात शौक ख़त्म हो जाती है, इसलिए अब्बू से एक खास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इधर यूट्यूब के ऊपर ही, तो मेरे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में करके मेरे अब्बू से रिक्वेस्ट कर दें, ताकि मेरे अब्बू मान जाए इस मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। तो अच्छा इसके मैं तो कहता हूँ अब हम इंटीरियर भी दिखा देते हैं, और जो कि रही बात इसको, क्योंकि साउंड सिस्टम हम आपको चेक नहीं करवा सकते, क्योंकि साउंड सिस्टम जो ये साहब ने बहुत हैवी लगवाया हुआ है, क्योंकि अगर वो चेक करवाएंगे तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मैं रिस्क लूँ, क्योंकि उसकी जो बेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने सुनी है जो ये साहब ने चलाई है, मगर अब रिस्क नहीं मैं लेना चाह रहा। इसके बाद आपको इंटीरियर दिखा देते हैं, तो जो ये साहब आप हमें इंटीरियर भी दिखा दें, तो मैं उधर से आ जाता हूँ, आप इधर से आ जाएँ, इसके इंटीरियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये खोलना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, तो आ जाएँ जो ये साहब, आप भी अंदर आ जाएँ, आप हमें ज्वाइन करें अंदर आके, तो ये देखें। अच्छा जो अगर हम आपको दिखाएं तो असद आप दिखाएं ज़रा, इधर आएँ आप, ज़रा दिखाएं कि जो ये साहब ने अपने शौक कहाँ किस हद तक पूरे किए हैं, कि जो कि इसकी ओरिजिनल चीज़ें हैं उसको भी जो ये साहब ने उठा के साइड पे करके उन्होंने कहा कि मैं अपने शौक पूरे करूँगा। अब ये देख सकते हैं। अच्छा जो ये साहब आप ये बताएँ कि मैंने देखा है कि अब कैमरे में साफ आ रही है, बस ठीक है चलें, तो जो ये साहब अच्छा ये बताएं, आप देखें जिस तरह इसका मेरे ख्याल में ये ब्लैक है, मेरे ख्याल में नीचे से जी ब्लैक तो है। आपने अब इसको मतलब सारा रेड करवाया, सारी कोशिश मतलब चेंज करवाई है जी, तो इसका मतलब कितनी कॉस्ट आ गई आपको तकरीबन? कोशिश की सिर्फ इसकी कोशिश की कॉस्ट आई है तकरीबन 35,000 रुपीज़। और क्योंकि ये चीज़ और आपका ये कंसोल बॉक्स और ये पूरा कंसोल बॉक्स आप देख रहे होंगे जैसे ना, ये बहुत कॉस्टली करते हैं, ये चीज़ें मेन बहुत कॉस्टली हुई थी। ये मेरे ख्याल आपने खुद ही इसके ऊपर रख के मेरे ख्याल सिलाई करवाई है जी जी, ये जो इसके जो एडजस्टमेंट हुई हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे ख्याल में इसी के ऊपर रख के सिलाई की, क्योंकि दो किस्म की कोशिश होती है, एक तो मेरे ख्याल रेडीमेड होती है, मगर आपने मेरे ख्याल जो करवाई हुई है ये मैंने खुद स्पेशल तैयार करवा रखी है, इसीलिए इसकी कॉस्ट आई है। तो मतलब अच्छा, तो अब इस गाड़ी के ऊपर मतलब कोशिश के ऊपर इतना आप 35,000 आ गया जी, तो चलें अब जो ये साहब से पूछ लेते हैं कि गाड़ी का जो कि टोटल कॉस्ट गाड़ी के ऊपर कितनी है, ये कितने की ली थी और अब तक गाड़ी के ऊपर कितनी कॉस्ट आ गई है, तो जो ये साहब आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कितनी, ज़रा पीछे कैमरे में देख के बताएंगे उनको पता चले कि बंदे ने शौक पूरे किए हैं। यार मेरी तकरीबन ना कॉस्ट आप ये देख लें, क्या कहते हैं, जब मैं गाड़ी लेकर आया 14-30 की, मैं कराची से लेकर आया, उसके बाद मेरे टायर अलायरिम खाली 2.25 लाख रुपए के टायर अलायरिम लगे थे मेरे, तो ये था कि टायर अलायरिम जो पहले वाले थे वो 50,000 रुपए के अंदर, उसके अंदर मैंने कटवा दिए थे 2.25 लाख रुपए में, उसके बाद क्या कहते हैं बकाया 2.25 लाख रुपए के मेरे खाली टायर अलायरिम लगे थे, उसके बाद लैम्बोडोस का 65-70 के करीब राउंड अबाउट खर्चा ये हो गया था, उसके बाद साउंड सिस्टम मैंने अच्छा वाला 85,000 का JBL का मेरा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और मैंने जो कि लाहौर से ही लगवाया, उसके बाद रैपिंग थी 35,000 की रैपिंग हुई, उसके बाद HIDs वगैरह ये छोटे मोटे खर्चे तकरीबन कर करके ना मेरा बजट ना 14 मैंने 30 की गाड़ी ली थी, तकरीबन 7-8 लाख रुपए मेरा ऊपर लग चुका था। उसके बाद मैंने इस गाड़ी को ना थोड़ा ऊंचा करवाया, ऊंचा करवाने की वजह यह थी क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ आपको पता है मुल्तान की हालात कैसे हैं, कि एक गली के अंदर घुसो तो इतने बड़े बड़े खड्डे आ जाते हैं कि गाड़ी बड़ी तो तंग करती है, ऊपर से टायर अलायरिंग की वजह से ज़्यादा तंग करती थी क्योंकि इसके इंचिस का 17 इंचिस का टायर था जो कि रिबोन के अंदर नॉर्मल 16 का चलता है, तो आपको एवरेज भी बहुत कम देती होगी, एवरेज भी ये बहुत कम देती है, ऐसी लो ये तकरीबन लो प्रोफाइल भी नहीं है और सिंपल टायर भी नहीं है, ये दरमियाने टायर है। सही हो गया।
ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो ये साहब का हमने शौक भी देखा है, उसका कोई मोल नहीं है। तो जो मैंने आपको आज दिखाया कि लैम्बो किट, जो कि मुल्तान में बहुत रेयर नज़र आती है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो ये साहब आप भी अल्लाह हाफिज़ कर, अल्लाह हाफिज़।